इतिहास का एकमात्र सुपरस्टार जिसने रोमन रेंस को हराया है और वो है द फेस ऑफ WWE द सीनेशन लीडर जॉन सीना। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी हाँ दोस्तों, जो काम WWE के तगड़े से तगड़े धुरंधर नहीं कर पाए वो काम जॉन सीना ने कर दिया रोमन रेंस को हराकर। तो दोस्तों कैसे हार गया स्मैकडाउन का शेर, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और हमेशा की तरह आज की वीडियो भी काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह जॉन सीना ने वो काम करके दिखाया जो कोई और सुपरस्टार कर ही नहीं पाया। मतलब तहलका मचा दिया यार, द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को हरा दिया। मैं नहीं मानता। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं तारीफों वाले कमेंट से। वेरी नाइस वीडियो ब्रो, ऑसम वीडियो सर, आई लव यू, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वेरी नाइस वीडियो। तो दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या करता है रे तेरी तो? दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम वोटिंग पोल द्वारा रोमन रेंस के साथ किसी भी सुपरस्टार का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वोट रोमन रेंस को मिलते हैं। जैसा कि आप खुद देख सकते हो, 87% वोट रोमन रेंस, 64% वोट रोमन रेंस, 61% वोट रोमन रेंस। यही नहीं दोस्तों, जब मैंने दो सुपरस्टार की टीम बनाई तो उसमें भी 65% वोट रोमन रेंस और कर्ट एंगल को मिले, जिस पर अनीस गुप्ता लिखते हैं कि रोमन रेंस की वजह से कर्ट एंगल पर चार चांद लग गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब दोस्तों हम रोमन रेंस के साथ किसी भी सुपरस्टार का कंपैरिजन करें तो वोट सबसे ज्यादा रोमन रेंस को ही मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि कोई तो सुपरस्टार ऐसा होगा जो वोटिंग पोल द्वारा रोमन रेंस को हरा सके। तो दोस्तों अब मैं जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस रियल में कौन तगड़ा है वो भी अपने फाइनल डिसीजन के साथ वीडियो बनाने वाला था। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों का ओपिनियन फिर से देख लिया जाए, तो मुझे लगा सबसे ज्यादा वोट रोमन रेंस को मिलेंगे, लेकिन मैं हैरान हो गया ये देखकर कि इस बार जॉन सीना को 52% वोट मिले हैं जबकि रोमन रेंस को 48% वोट मिले हैं। मैं नहीं मानता। वैसे दोस्तों हमेशा मुकाबला एक तरफा होता है, लेकिन इस बार मुकाबला बराबर की टक्कर का हुआ है जिसमें जॉन सीना ने रोमन रेंस को थोड़े से वोट से हरा दिया। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों आज से 2 साल पहले जब मैंने वोटिंग पोल द्वारा पूछा था तो उस समय मुकाबला एक तरफा था, क्योंकि 73% वोट रोमन रेंस को मिले थे और सिर्फ 27% वोट जॉन सीना को। तो इस पर अनयूजुअल स्मार्ट यूएस लिखते हैं, आपने जब 2 साल पहले पूछा था तो उसमें रोमन रेंस जीते थे, लेकिन अब जॉन सीना क्योंकि रोमन रेंस अब हील सुपरस्टार हैं इसलिए उनके फैंस कम हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि बतिस्ता मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, फिर चाहे वो हील बने या फेस बने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ड्रू मैकइंटायर जब हील सुपरस्टार था तब भी मेरा फेवरेट सुपरस्टार था, और आज फेस सुपरस्टार है तब भी मेरा फेवरेट सुपरस्टार है। तो दोस्तों रोमन रेंस के फैंस को मैं एक ही बात बोलूंगा कि दोस्तों कहां हो तुम, जल्दी से आओ और रोमन रेंस को वोट करो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। इसके अलावा जॉन सीना के फैंस से मैं एक ही बात बोलूंगा कि लगे रहो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया तो जल्दी से वोट करो, चाहे रोमन रेंस को जितवाओ या जॉन सीना को, क्योंकि अब जल्दी ही वीडियो आने वाली है जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस रियल में कौन तगड़ा है वो भी अपने फाइनल डिसीजन के साथ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। ऋषि टंडन भाई लिखते हैं कि यू आर द रियल फैन ऑफ WWE। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ द रियल फैन ऑफ WWE। इसके अलावा दोस्तों नमन सिंह लिखते हैं कि जॉन सीना के आने के बाद ही WWE फिर से देखना स्टार्ट किया है, अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। मतलब जॉन सीना के फैंस भी काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा दोस्तों संजय जोशी लिखते हैं कि बढ़िया भाई, ऐसे ही वीडियोज बनाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। दोस्तों इससे मुझे एक ही डायलॉग याद आ रहा है, राहुल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अजी लंबे लंबे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और तगड़े तगड़े कमेंट करो, आज नहीं तो कल आपका कमेंट भी पिक हो जाएगा।